अल्फाबेट टी वी से सही स्पेलिंग नहीं उतारती। मैंने इसको यही बोला बेटा जहाँ बातें करते होंगे पेंसिल चलाएंगी ना करे हाथ तो चल रहा है बातें में लगे और नीचे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये चीज़ है। मैंने सोचा था कि आपको बात की बहुत बात बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं आप अपने पूरा उस पर और यकीन करें घर में एक एक कॉपी के हम लोग डेली का डेली दो दो टेस्ट होते हैं एक एक कॉपी की तैयारी है मुकम्मल। लेकिन जो गलतियां होती हैं ना मतलब ट्यूशन में भी जो टेस्ट लिया जाता है इसमें छोटी छोटी गलतियां ऑन लिखना भूल गई दा लिखना भूल गई एड एस हाँ फॉर्मेशन देख रही है और आप इनसे पूछ रहे हैं हम लोग फोर लाइन कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं इनको मैं बोलती हूँ बेटा बहुत आपको पता है बोर्ड की लेंथ देखें साइज देखें मैं जान लगती बढ़े तो हमें मिटा के ऑपोजिट लाइन रखें क्योंकि मैं फॉर्मेशन चार लाइन का देख के करवा रही हूँ उसके बावजूद बच्चे जब ये काम करेंगे ना आपको पता फिर रेड मार्किंग मैं करूँगी। अच्छा एक मिस्टेक ये हुई थी तो एप्लीकेशन की एप्लीकेशन में मामा टीचर ने बहस कर दिया ये मैंने कहा बेटा ये कैपिटल ही आता है द प्रिंसिपल और ग्रीन पीस है हाँ इसकी नहीं और भी बच्चों की मैंने ये कंप्लेन और यकीन करें ऐसा नहीं कि डेली बेस पर रैंडमली हम लोग की क्लासेस की बोर्ड की होना ना पिक्चर डिजाइन क्या आपने किस तरीके से चेक कर दी क्योंकि हमें जब बोला गया कि फॉर्मेशन चार लाइनों का वेबसाइट देते हैं तो वो देखने आते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं कॉन्सेप्ट बना दिया हाँ तो हर जगह पर सब इसी के नहीं है और भी बच्चों की सब क्लियर कर दिए पाकिस्तान वो लिखवाइए डेफिनेशन लिखवाइए पाकिस्तान अगर लिखवाया हुआ है या तो अगर ऐसे लिखवाया हुआ है तो पाकिस्तान का पी जब कैपिटल है कैपिटल है एक वो हाँ मेन चीज़ है प्लेस है ना हाँ प्लेस जो चीज़ होती है बेटा जो नेम होते हैं उसको कैपिटल वर्ड में फायदा से उनको बच्चों ने क्यों स्मॉल में लिख दिया ये चीज़ तो मतलब बिल्कुल बेसिक है ना ये कॉपी है या अभी कितने चैप्टर रह गए इंग्लिश चैप्टर वी आर ना आई गेस वाटर यूज का चैप्टर बस दो क्योंकि इतना हो गया कि पीछे पीछे से याद करवाते तो ना तो वो मिस कर देते हैं बच्चे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो टीचर को भी चाहिए मैनेजमेंट के लिए और सिलेबस कंप्लीट करवाना वो बात सही है लेकिन सरप्राइज टेस्ट भी होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस में बच्चे क्या कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमारे पास इतना क्राइटेरिया नहीं है कि हम या तो टेस्ट लें या तो सिलेबस कंप्लीट करवाएं नहीं कभी भी आज आपका इसीलिए हमारे मंथली टेस्ट होता है मंथली टेस्ट में तो ये वाला टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना लेकिन ये कि बीच में चले मैं जाके ऊपर बात करती हूँ मैम से ना कि भाई बीच में सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चों की पता चलता रहे कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं और यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए कि हमें नहीं पता कि कभी भी किसी चीज़ का टेस्ट होना चाहिए। चले मैं बात करती हूँ बात होनी बहुत है पीछे भी एक टीचर थे इंग्लिश की टीचर अच्छा इनको ना कहती कि बेटा आप नई नई चीज़ों को निकालो और उससे फिर जाके आप बेशक टीचर से पूछो बच्चे से पूछो नई नई सवाल करो ये इसमें आपको आप आगे भी बढ़ पाओगी और आपको मतलब आसानी हो जाएगी पता चलेगा कि आप फोकस दे रही हो सारे ये किधर की तरफ ये इसकी आप नेट सर्च कीजिएगा इसकी जॉब आती मतलब जब ये बड़ी हो जाएगी ग्रेजुएशन वगैरह हाँ हाँ तब की बात हाँ हाँ तब की बात सही सही लेकिन अभी भी मतलब मैं ये कहती हूँ कि आपने बनना है तो बेटा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए वाइट बोर्ड पे काम हो रहा है नीचे काम हो रहा है लेकिन जबान सभी दोस्तों के साथ चल रही है सही है देख लिया थोड़ी बहुत
स्टेज पर फ्लैग क्यों लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि 14 अगस्त का फंक्शन भी होता है, इसलिए वो लगा हुआ है। कोई भी नोटिस होता है स्कूल के मुताबिक, ये टीचर्स के पीरियड कहाँ पर होते हैं, किस क्लास में होते हैं, वो यहाँ पर देख सकती हैं। कैलेंडर बनाया हुआ है, ये बहुत सारे सैटरडे मंडे संडे आते ये वो किया हुआ है। फिर अभी अगस्त 19 है, फिर 19 को हटा के पीछे करते हैं, 20 आ जाए तो फिर सैटरडे आज पे संडे आ जाएगा। और ये देखते कितने हैं आप, ये इन लोगों ने फेक मनी प्लांट लगाया है, और ये है समर विंटर। सॉरी गाइस, ऑटम है, गलती से मैंने विंटी बोल दी थी। ये करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। आप क्या है कि मतलब मुझे बताइए कि मैथ में ये कैसे चल रही है। सही है, मतलब मुझे समझ आ रहा है। हाँ, समझ आप उसने मुझे बताया था ना, आपने मुझे बताया था पेज नंबर स्टेप बोला था कि ये समझ जी आ जी है। अभी भी मैं इस खजाना से ये बात करके आ रही हूँ। हाँ, तो वो मैंने इसको दूसरे दिन समझा दिया था, मैंने आपको कहा था अभी भी नहीं समझ आया। नहीं समझ आया, वही बात है ना, आपके सामने ये खुल के नहीं बोला। मैंने इन सब बच्चों को बोला कि आपको एक चीज़ एक दिन समझ नहीं आया, दो दिन समझ नहीं आया, तीन दिन आप हमसे पूछो। मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम है, एग्जाम में अगर इनका ये 10 नंबर का छूट गया ना, तो मुझे एक नंबर पे भी ऑब्जेक्शन होता कि आपने क्यों सवाल छोड़ा। हाँ, तो ये तो पूरा 10 नंबर का होगा, तो वही कह रही ना, इनको समझ नहीं आ रहा। मंडे को फिर मैं अपने फ्री पीरियड में बुलाऊँगी, ठीक है। सही, फिर उसमें मैं अलग से पढ़ाती हूँ। सही, और ये जो डिवाइड के सवाल आ गए हैं बच्चों के लिए, वो जो आंसर्स बचता है, कौन सा वाला फक है, मुझे रिमाइंडर वाले तो वो भी इनको समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट है ना, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो आप इनके घर पर प्रैक्टिस करवाती है। वही कह रही हूँ, कल भी ट्यूशन टीचर भी इसको हम ट्यूशन है, लेकिन वो भी आके समझाते रहते हैं, कहती है कि मैथ ना बहुत एक तो हार्ड भी हो गया बच्चों के लिए, इनके लिए भी क्लास थ्री में न्यू चीज़ें आई हैं, डिवीजन है ना। हाँ, इनके लिए भी न्यू आया है, मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स वाली न्यू आई है। हाँ, तो ये इनको टाइम लगेगा, तो फिर भी हमने साथ साथ दो डिजिट भी इन्होंने करवाया, 2 डिजिट्स वाली अलग, 3 डिजिट्स की आ गई। सही, थोड़ी हार्ड वाली आ गई, हार्ड वाली नहीं कि बच्चे समझ लेंगे, ये समझ लेंगे फाकिया माशाल्लाह, मतलब इनकी हैं तो तेज है, लेकिन ये कि घर पे तो लिखते हुए इनकी जान जाती है, लिखते हुए बहुत सोच तो होती है। अच्छा, इन लोगों को ये होता है, मैं इनको अगर बोर्ड पे समझा रही हूँ ना, ये जब अपनी जब चाय पीते बच्चे फ्रेंड्स के साथ बैठे बात करें, मैं बार बार फाकिया बैठे लुक एट फाकिया लुक एट द, क्योंकि बेटा पहले समझो फिर कॉपी फेल करो। सही, अब ये लोग जल्दी जल्दी होता है। हाँ, अब मैंने क्या करती है, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आंसर, अब मैं लिखती नहीं होती, मैं इतना सीख सीख के मेरा गला ना ऐसा हो जाता है, मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा पहले आप लोग समझे फिर लिखिए, अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिखती हूँ आंसर लिखती हूँ, फोकस देती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि इनको कुछ मंडे वाले दिन फिर जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, घर जाके ना बुक पे स्क्रीन टेक कर देना, पेज को फोल्ड कर देना, ठीक है। मंडे वाले दिन मेरा फ्री जो पीरियड फ्री होगा ना, मंडे को पीरियड ट्यूजडे होगा, इन दो दिनों से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। मंथली टेस्ट कब से होगा? मंथली टेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, ये वाला वीक भी नहीं होगा, ये वाला वीक भी नहीं होगा। सिलेबस तो ऐसे नहीं पढ़े थे मैंने, तो शायद ये मंडे से वीक वाले मुझे ट्राई कर, पहले बहुत ज़्यादा इशू आया था, पूरी पूरी अलहमदिल्ला कॉपी की तैयारी है, मतलब बाकी क्लासेस में आते थे वन वगैरह में, पेरेंट्स जब वो खेलना बच्चों को अभी सिलेबस रिक्वायर अब इतनी जल्दी बच्चे, तो हमने इसलिए पहले लिखवा दिया, बच्चे तैयारी करते हैं। ये तैयारी तो अलहमदिल्ला की है, तो मैं तो यही कह रही थी कि आप लोग का, हाँ, इनका ये बस एक डिवीजन का टॉपिक आएगी और एक फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन नहीं आएगी उसका मतलब इनके इसमें कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाएगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगी, वो आएगा एग्जाम में आएगा, मतलब सिर्फ एक डिवीजन का टॉपिक इनका कम्प्लीट हो जाए, दैन उसके बाद उनके मैथ्स सेट हो जाए। वैसे इनका मैं ये होता है कि इनको मैं बच्चों को जैसे 5 क्वेश्चन है 3 मैंने करवा दी, 2 इनको किलो खुद करते हैं, इस तरीके से भी एक इनका टेस्ट हो जाता है। एक ही होता है अगर मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, ताकि एक ही बच्चे को बुला के, ये होता है कि हम डायरी में मार्क्स नहीं दे पाते कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता,
हमें पता चला था कि किस बच्चे का माइंड कितना चल रहा है। घर आके तो ये कह रही थी कि मामा ने कल भी ट्यूशन टीचर भी सर पकड़ के बैठ गई कि इनको ना डिवाइड नहीं आ रहा, दवाई ये बोल रही है।